सुबह कंप्यूटर पर बैठने के बाद मैं सबसे पहले मोबाइल की नोटिफिकेशन देखता हूँ और फिर मोबाइल को लॉक करके साइड में रख देता हूँ। मोबाइल होल्डर पे मैं मोबाइल इसलिए लगाता हूँ ताकि जब भी मैं फ़ोन उठा रहा हूँ मुझे याद आ जाए कि मैं क्यों उठा रहा हूँ, वरना अक्सर यही होता है कि मोबाइल इस्तेमाल करते करते सारा वक्त निकल जाता है। दिन को प्लान करने के कई सारे तरीके हैं लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा चेकलिस्ट वाले मेथड से होता है। मेथड सिंपल है, आपको बहुत सारे डब्बे बनाने हैं, उसके सामने अपने काम लिखने हैं, सबसे नीचे आपको डेडलाइन बनानी होगी। डेडलाइन मतलब कि आपको इस वक्त से पहले काम पूरा मुकम्मल करना है। टास्क को चेंज भी कर सकते हैं सिचुएशन के मुताबिक, मिसाल के तौर पर आप रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे तो आपने उस वक्त कोई और टास्क कर लिया। मैं गूगल नोट्स भी यूज़ करता हूँ ताकि चलते फिरते जब भी कोई आइडिया है फौरन मोबाइल पे लिख लूँ और वो गूगल के पास सेव हो जाता है, और किसी वर्कशॉप में हूँ तो मोबाइल पे ही नोट्स ले लूँ। ये कैरेक्टर है बोल रहा है सबके सामने खड़े होके। अब देखें इसके हाथ पे मैं माइक बनाना भूल गया, माइक ही नहीं है भाई, हद हो गई। मैं हर एक दो घंटे बाद ब्रेक लेता हूँ जिसका मकसद खाना खाना, एक्सरसाइज करना, नमाज पढ़ना या रिलैक्स करना होता है। ज़ाहिर है दोस्तों को पता होता है कि आप पूरा वक्त घर पे कंप्यूटर पे होते हैं तो वो डायरेक्ट घर ही आते हैं, तो उनको बता दें कि भाई कॉल करके आओ वरना काफ़ी मुश्किल हो जाएगी आपको। ज़रूरत के मैंने मेन सामान टेबल पर रखे हुए हैं ताकि बार बार उठना ना पड़े, पेन पेंसिल स्केचबुक नोट्स पानी सब। कंप्यूटर से छुट्टी लेने के बाद मैं डिजिटल मीडिया का बिल्कुल बायकॉट करता हूँ। फिर मैं अपना वक्त फैमिली के साथ गुजारता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ या फिर मुख्तलिफ मौजूदात पर गौर व फिक्र करता हूँ, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें स्क्रीन मेरे सामने ना आए। आजकल गर्मी बहुत और बिजली के भी मसले हो रहे हैं, इस वजह से मैं छत पे सो रहा हूँ। सोने से पहले कुछ देर मैंने दोस्तों से बात कर ली या फिर कोई ऑडियो बुक सुन ली और फिर सुनते सुनते सो जाता हूँ। अगले दिन फिर वही सेम रूटीन। पहले वैसे मैं रात भर जागता था लेकिन अब मैंने अपना रूटीन ठीक करना शुरू किया है। अब जब ख़राब भी होता है तो मैं फ़ौरन ठीक कर लेता हूँ, और अक्सर मैं इसी बारे में सोचता हूँ कि क्या ज़िंदगी भर यही रूटीन रहेगा। मेरा मिशन यही है कि मैं आर्ट और मीडिया का सही और पॉजिटिव यूज़ करूं और अपनी एनिमेटेड मूवी बनाऊं। मगर क्या ये मुमकिन है कि कोई एनिमेटर एनिमेशन से बोर ना हो? क्या ये मुमकिन है कि रूटीन को अपने फिक्स रखा जाए? क्या ये मुमकिन है कि जिन आइडियाज़ पे यकीन ना हो मगर दिलचस्पी की वजह से उन पर काम किया जाए? क्या सोशल लाइफ ज़रूरी है? क्या हकीम साहब असली हैं? हकीम साहब को तो नहीं पता लेकिन मुझे ये पता है कि हम लोग असली हैं। अगर हम असली हैं तो हमारे गोल असली क्यों नहीं है? हमारे गोल असली होने चाहिए। अक्सर लड़के करते हैं ना, हेडफोन पहन के मूवी का गाना सुनते हुए सोच रहे हैं कि मैं उस मेन करेक्टर की जगह हूँ, मैं भी दुश्मनों से लड़ रहा हूँ और मैं डायनासोर को मार रहा हूँ। ये सब फिक्शनल चीज़ों के बारे इमेजिनरी चीज़ें सोचना सही है लेकिन बहुत ज़्यादा फिक्शनल नहीं हो जाना चाहिए। हमें असली गोल, आप असली गोल बनाएं। आप बोले मैं दुनिया बदल दूंगा और मुझे पता है आप बदल भी देंगे, मुझे कैसे पता चलेगा? खैर, यानी कहने का मकसद ये है कि मुझे पता है अगर मैं अपना एक दिन सही तरीके से प्लान नहीं कर सकता ना तो मैं लॉन्ग टर्म में जो मैंने बड़े गोल बनाए हैं वो कैसे अचीव करूँगा? तभी असली गोल जो बहुत ज़्यादा प्री प्लान्ड हो वो होना ज़रूरी है, तभी दिन प्लान होते हैं। वरना मेरा पहले दिन इधर उधर कामों में गुजर जाता था। जब से मैंने गोल्स बनाए अपने दिन खुद ही सही प्लानिंग से चलना शुरू हो गए। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। मैं सैयद उस्मान फ्रॉम केडर ग्रीन। एक मिनट, इस तरह की बिहाइंड द सीन वाली वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो बताना, ठीक है? बाय।